साल 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइज आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइज ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। गाइज एप्पल, ऑरेंज जैसे बहुत सारे फ्रूट्स वीगन कैटेगरी में आते हैं, मतलब शुद्ध शाकाहारी, जहां पर कहीं भी किसी भी वे से मीट या नॉन वेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इसीलिए शाकाहारी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब इन फ्रूट्स को स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है तो इन पे एक वैक्स लगाया जाता है ताकि ये लंबे समय तक फ्रेश रह सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वैक्स शेलेक वैक्स कहलाता है और ये वैक्स बेसिकली इंसेक्ट से बनाया जाता है, यानी कि वो वैक्स नॉन वेज है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप फ्रूट्स खाएं तो उसे अच्छे से धो लें, वैक्स को जरूर हटा लें क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं। गाइस इस वीडियो में जो आपको भेड़ियों की कतार वाला पिक दिख रहा है उससे आप लीडरशिप क्वालिटी और ग्रुप को कैसे मैनेज किया जाता है वो सीख सकते हैं। इस पिक में आपको जो सबसे पहले तीन भेड़िए दिख रहे हैं वो एक्चुअली सबसे ओल्डेस्ट और सबसे एक्सपीरियंस्ड भेड़िए हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। उनके जस्ट पीछे स्ट्रॉन्ग भेड़िए हैं। अगर आगे से अटैक होता है तो ये स्ट्रॉन्ग भेड़िए उन एक्सपीरियंस्ड भेड़ियों को बचाने का काम करेंगे। उनके जस्ट पीछे भेड़ियों के बच्चे हैं और उन भेड़ियों के बच्चों के पीछे भी स्ट्रॉन्ग भेड़ियों को रखा गया है ताकि इन बच्चों को कुछ भी ना हो सके। और जो सबसे लास्ट में एक भेड़िया आता आपको दिख रहा है वो एक्चुअली इस पूरे ग्रुप का लीडर है जो पूरे ही ग्रुप का ध्यान रख रहा है। गाइस ये घटना है साल 2015 की, जब बेंजामिन नामक एक अमेरिकन ने रेडबुल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया और केस में उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से रेडबुल पी रहा हूं लेकिन मेरे तो कोई विंग्स यानी कि पंख आए ही नहीं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि उस टाइम पे रेडबुल कंपनी का टैगलाइन था, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, मतलब अगर आप रेडबुल पीते हैं तो आपके विंग्स आ जाएंगे। और उस बंदे का ये कहना था कि मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा हूं, मेरे तो कोई पंख यानी कि विंग्स आए नहीं। और एक्चुअली कोई मजाकिया केस नहीं था, सच में रेडबुल कंपनी को इस चीज के लिए उस बंदे को $13 मिलियन यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ गया था। किशोर दा, मोहम्मद रफी, इनके गाने आज भी बहुत ही ज्यादा सदाबहार हैं, पर आज के यूथ से ये कम ही उम्मीद है कि वो इनके गाने सुनते होंगे क्या। लेकिन जब मैंने 23 वर्षीय केरला के रहने वाले सौरव किशन की आवाज़ सुनी और उसने जब मोहम्मद रफ़ी के गाने गाए तो मुझे वो लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी की याद दिला गए। गाइस अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सौरभ 5th ईयर के MBBS के स्टूडेंट हैं जिनको इंटरनेट पे उनकी वीडियो वायरल होने के बाद लोग छोटा रफी भी कह रहे हैं।